सर्कल नहीं चुकाते हैं। मेरी चंड पर चंड तू चंड चंडता से बढ़कर कारी पर चंड मार चंड नहीं तू राजपूत है। इस कारण तेरा सभा में तुझे में दर्द नहीं। लेकिन अब मैंने ठान लिया तेरे तुझ बच्चों का बदला लूंगा। जब तू राजसभा से जाएगा तो रस्ते में ही मरवा दूंगा। हो चुका सुरली का आदेश तो आधाम सुनने खड़ा खड़ा उठे। ओ अभिमानी राक्षस तू किस घमंड में फूला है। जग में मनुष्य है इस तरह जैसे पानी पर बबूला है। तू अपनी सेकी में है कि तेरे वन को मैंने जीता है। क्या सुनिनी ये लपति अन्याय अजगर जीता है। जब तीन महीने के आते हैं तो अंग आयु रह जाती है। बुद्धि निपट उल्टी होकर मंच के दर में बैठ जाती है। पापा ने अंधा किया तुझे। अंतिम दिन आने वाला है कुछ राज में रावण की जग से जाने वाला। और जग में पाली राज से मुड़ सब मेरी कुशल सुना देना। सुग्रीव राज का इंतजाम मत का काम बता देना। लंका का राज विलक्षण को ऐ जानने वाले कहता था। श्री कुंभ पर श्री बैजनाथ को साथ साथ ही लेता था। तय करने रानियों से लंकानाथ कि कौन कौन सी सती हुई हुई तेरे साथ। वानर जिस पल कट शब्दों ने तूने मुझे जट जोड़ा है वह तपस्वी कल का बालक बल बुद्धि ज्ञान में थोड़ा है। गणहीन भाव जब देश निकाला दिया उसे रहता है नारी गृह में इस टुकड़े अंधा किया उसे। मेरा रजनी जब विकरण मानव पक्षी बनाते हैं ऐसे ऐसे बच्चों का तो एक क्रांति कर जाते हैं। मेरे ये पाव चढ़ाए मानकर कोई अशोक कुमार गया तो रामचंद्र फिर सो
समझ जाएंगे कि मैं सीता जी को हार गया। ठीक है, मुझे सर मंजूर है। अंगद सोच लो, फिर मुकर मत जाना। नहीं, हम अपने वतन से नहीं मुकरेंगे। अच्छा, मंत्रीवर इस पंद्री के बच्चे को उठाकर लंका से बाहर समुद्र में फेंक दो। जो आज्ञा महाराज। आजो मेरे सूरवीरों, क्या रखा है जो तू उठा नहीं रहा इस पैर को? अभी मैं इसको उठा के समुद्र में फेंकता हूं। क्या हुआ महाराज? क्या बताएं, गुल में गाड़ रखी है, नहीं उठाइए। खा खा के हाथी का बच्चा हो गया है, एक पाँव नहीं उठता तुझसे। मंत्रीवर तुम जोर लगाओ। इतना जोर ला दिया, चार के पैर ठह दिए, यू है ना अल्दा। महाराज कौन है? कौन है बस की बात नहीं। हमारे महामंत्री को बुलाया जाए। महामंत्री महाराज, जय बांदर दिखाई दे रहा है। जी महाराज, इसके पांव को खाकर इसे लंका से बाहर फेंक दो। महाराज, ऐसा जंतु जो मैंने पहली बार देखा है, कौन है ये? अंगद। अंगद, अरे बेशरम, वहां अपने बाप को मरवाता है और यहां आकर पैर जमाता है। चल चल भाग जा, माफ किया तेरे को, चला जा। बोलता ही नहीं महाराज, इधर आओ। देखो, अगर मैं इसका पैर उठाऊंगा तो ये मेरे शान के खिलाफ है। तुमने तो बड़ों बड़ों के पैर उठा दिए, इसका भी उठा दो।
वो अभी गई। जरा हम आजमाते हैं। भाई ठा ले तेरी इज्जत रह जाएगी मेरी भी। जल्दी उठो महामंत्री जी महाराज। हमारे कुल देव को पसंद करो और उसके लिए छोटे से काम के लिए उसकी क्या जरूरत है। अभी उठवा कम पैर उठाता है या छह की छह अंदर कर दू क्या जरूरत। ये तो हवाई फायर था। बोल बोल ये अंदर से निकल जाएगी। महाराज बड़ा ठीक है। अब तो मैं चलता हूं महाराज। तेरे को युद्ध में देख लूंगा। पुत्र मेघनाथ उठो। इस मंदिर के पर्चे उठाकर लंका से बाहर फेंक दो। इस सेवक के पाँव पकड़ क्यों अपनी शान घटाता है। क्यों नहीं पकड़ता रामचरण उसमें क्यों लज्जा खाता है। क्या होगा मेरे पैर पकड़ मैं समा नहीं दिला सकता हूँ। हाथ पर भूसे समा दिला सकता हूँ। इतनी सेवा कर सकता हूँ। ये क्या जिसको शिथिर श्रीमान करे। मैं पितृ पुत्र हूँ महाराज त्रुटियों पर ना ध्यान करे। अरे जाओ सत्वर ही कोई जाओ मिर्चों का नाश शिखर लाओ। राजा पर खुद सवार हुआ शाना ही कोई बनवाओ। जब भाग जाए यहां से अन्यथा पूरा फल पाएगा। मैं अब तलवार चलाऊंगा जो तो पिछुआ चलाएगा। बच्चों से जाकर कहते तत्पर है मैं रण करने को। उल्टे पैर अपने घर जाए जो आए यहां घटने मरने को। महाराज नाराज ना हो मैं रामा दल का जाता हूँ। अंतिम प्रार्थना और भी है जो जाते जाते समझाता हूँ। यदि रघुराय की शरण गए तो जीते जीते जाओगे अन्यथा काल मृत्यु होगी के मौत सो मर जाओगे। जिस दल पर है अभिमान तुझे वो एक दिवस रह जाएगा बस अंत बसंत काल में ही
ये खिला उपमा लुट जाएगा। इस कारण तंत्र राजनो आनंद धाम में जाओ, तुम सच्चा अरब चाहते हो तो राम नाम में आओ तुम। जनता का को भूल गया वो रोता है ऑटो यंग वही, परिणाम जानते हो सब कुछ फिर भी करते हो काम वही। ये सरासर हिमाकत है, तो जिन भाइयों के भरोसे तू कूद रहा है उनमें केवल फतेह बनाने की ही ताकत है। खैर, तुझे अपनी तलवार पर ही इतना घमंड है,